नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है अशराफिया कुछ नहीं करने देती। कॉलम निगार हैं मोहम्मद बिलाल गौरी और आवाज़ है मलीहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। वज़ीर आज़म इमरान खान जो गरीबों नादारों मजदूरों के दर्द में घुलते रहते हैं, उन्होंने चंद रोज़ कबल फरमाया लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। अगरचे सब अखबारात ने वज़ीर आज़म से मंसूब ये बयान शाया किया मगर मुझे तसल्ली ना हुई तो उनके खिताब की फुटेज ढूंढने की कोशिश की। थोड़ी जस्तजू के बाद रिकॉर्डिंग मिल गई तो मालूम हुआ कि उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में कॉमस्टेक हेडक्वार्टर में हो रही तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा जल्दी से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है उसका क्या बनेगा। एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। मेरा ख्याल था कि ताज़ा दम हुकूमती तर्जुमान शिबली फराज इस बयान पर रोशनी डालेंगे या फिर वज़ीर आज़म के मुशीर इत्तला और नशरियात जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा इस बयान की तफसीर बयान करेंगे, मगर हैरत अंगेज तौर पर दोनों शख्सियात ने इस बयान की तशरीह करने की हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान की सियासी लुगत में गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान बेशुमार अल्फाज का इजाफा हुआ, कब से वसी तरी कौमी मफाद, हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, इस्टेब्लिशमेंट, पोरस के हाथी, अली बाबा 40 चोर, डिक्टेशन, बीबी और बाबू, नूरा कुश्ती, खुफिया हाथ, फरिश्ते, नादीदा ताकतें जैसे फरसूदा बल्कि बेहूदा अल्फाज सुन सुनकर कान पक गए थे। वो तो भला हो कप्तान का जो तब्दीली और नए पाकिस्तान के अल्फाज लेकर आए। उनके सियासी हरीफ नवाज शरीफ कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने पनामा केस में ना अहली के बाद खलाई मखलूक और महकमा जरात जैसी इस्तलाहत मुतारफ करवाईं। कौमी सलामती और वक़ार जैसे अल्फाज का इजाफा तो पहले ही हो चुका था मगर इस दौरान कप्तान की वजह से U-10 के लफ्ज़ को भी खासी अहमियत दी गई। मगर कई माह से सियासत के बाजार में किसात बाजारी और मंदे का रुझान दिखाई दे रहा था और कोई नई टर्म सामने नहीं आ रही थी। कप्तान को दाद दें कि उसने अशराफिया जैसी एक पुरानी इस्तिलाह को एक मुख्तलिफ पस मंजर और नए अंदाज में पेश करके सियासी स्टॉक मार्केट में तेजी पैदा कर दी है। ये बात वाकई अचंभे का बायस है कि अभी तक किसी हुकूमती तर्जुमान ने वज़ीर आज़म के इस फरमाने आलीशान के इसरार और रमूज बयान करने का तकल्लुफ क्यों नहीं किया। उन्हें शायद इस हकीकत का इदराक नहीं कि लोगों के ज़हन मनफी रुझानात के हामिल हैं और वो तखय्युलात के घोड़े सर पर दौड़ाते हुए पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं और फिर पटवारी तो हर पल मौके की ताक में रहते हैं। उन्हें तो मौका चाहिए तनकीद करने का। मेरे खदशात के ऐन मुताबिक सियासी मुखालफीन ने इस बयान से गलत मतलब अखज करके प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब भी मौका गनीमत जानकर बिला ताखीर असद उमर को अशराफिया का नुमाइंदा करार दे दिया जाए तो सियासी मुखालफीन के मुंह बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के इजहार नापसंदीदगी के बावजूद लॉकडाउन का सोचे समझे बगैर फौरी तौर पर ऐलान तो उन्होंने ही किया था। या फिर ये जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर डाली जाए, क्योंकि पहल करते हुए सिंध में लॉकडाउन का ऐलान उनकी तरफ से ही किया गया था। वैसे आपस की बात है, वज़ीर आज़म के इस बयान की ताबीर और तफसीर बयान करने की जिसारत तो मैं भी नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं बाकायमी होश व हवास मुकम्मल वसूख के साथ ये कहने को तैयार हूँ कि मुस्तनद है आली मर्तबत वज़ीर आज़म का फरमाया हुआ। मैं उनकी इस बात से मुकम्मल इत्तफाक ही नहीं करता बल्कि उनकी गैर मशहूर ताईद और हिमायत का ऐलान भी करने को तैयार हूँ। मुमकिन है वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में से किसी को इस बात पर शक हो। वफाकी वज़ीर इत्तला और नशरियात शिबली फराज इस बात का दिफा करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करें या फिर जनाब शहबाज गुल इस बात पर ईमान लाते हुए पसो पेश से काम लें, मगर मैं बिला तामुल ये कहने को तैयार हूँ कि सब अशराफिया का ही किया धरा है। अशराफिया ने अपने तौर पर महज लॉकडाउन का ही फैसला नहीं किया बल्कि इससे पहले भी कई मौके पर हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म को नीचा दिखाने की कोशिश की है।
एकतरफा तमाशा ये है कि अशराफिया के किए गए गलत फैसलों का बोझ भी जनाब वजीर आजम को उठाना पड़ता है। अगर अशराफिया ने रोड़े ना अटकाए होते तो अब तक तब्दीली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो चुका होता। क्या बताऊँ, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊँ। अशराफिया के कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है। BRT पेशावर का मंसूबा मुकम्मल ना होने पर हुकूमत को किस कदर हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब बेचारे आम अफराद को क्या मालूम कि इस मंसूबे की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट अशराफिया है। ये जो मईशत का सत्यानाश हो गया, रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा हो गया, कारोबार ठप हो गए, ये सब अशराफिया का किया धरा है। वजीर आजम तो पेट्रोल सस्ता करना चाहते थे, 24 रुपए फी लीटर की समरी तैयार करने को कहा गया था, मगर ये अशराफिया सारे मुल्क का फैसला खुद करने पर मिसर रहती है। मुराद सईद का वादा पूरा हो सकता था। मुमकिन था कि वजीर आजम हल्फ उठाते ही बैरून मुल्क पड़े 200 अरब डॉलर वापस लाकर IMF के मुँह पर दे मारते। योमिया 12 अरब करप्शन रोकने के लिए तमाम करप्ट अफराद की फाइलें मंगवाई जाती। मनी ट्रेल और ट्रायल की लंबी कहानी के झंझट में पड़े बगैर इन सबको लटकाने का हुक्म दे दिया जाता, मगर अशराफिया ने ये सब नहीं करने दिया और करप्ट अफराद को बचा लिया। वजीर आजम तो करप्ट वजीरों को भी चीन की तरह फांसी की सजा देना चाहते हैं, मगर अशराफिया के दबाव पर उनके कलमदान तब्दील करने पर ही इक्तफा करना पड़ता है। वजीर आजम तो स्वीडन के वजीर आजम की तरह साइकिल पर दफ्तर जाना चाहते हैं, मगर ये निगोड़ी अशराफिया कुछ करने ही नहीं देती, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का बहाना करके रोक लेती है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।